हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्यों ना आज तुलसी प्लांट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी की जाए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करे थे कि तुलसी प्लांट हेल्दी, बुशी और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, पॉट, सॉइल, फर्टिलाइजर्स कौन से यूज़ करने हैं और प्रूनिंग एंड पिंचिंग कब और कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज मैं आपसे तुलसी की कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी, मीन्स तुलसी के लीव्स क्यों और कैसे ख़राब हो जाते हैं, इंसेक्ट्स पेस्ट से तुलसी को कैसे बचाना है, कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, समर, रेनी और विंटर सीजन में तुलसी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आइए देखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, सबसे पहले तुलसी प्लांट की सबसे कॉमन प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी लीव्स अक्सर पीले पड़ जाते हैं, मुरझाने और गिरने लग जाते हैं, उनमें डिसकलरेशन होने लग जाती है। इट मे बी ड्यू टू ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग, पेस्ट अटैक, डिजीजेज़ या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर लीव्स पीले पड़ रहे हैं और धीरे धीरे गिरने लग गए हैं तो हमें ये देखना है कि वो ओल्ड लीव्स हैं या न्यू लीव्स हैं। अगर ओल्ड लीव्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर न्यू लीव्स येलो हो रहे हैं तो इंडिकेशन है कि तुलसी प्लांट में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, जिसे हम एप्सम सॉल्ट से दूर कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही है और बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। एप्सम सॉल्ट क्लोरोफिल बनाने में प्लांट की हेल्प करता है, प्लांट को बुशियर और हेल्दियर बनाने में मदद करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्लांट की पावर इंक्रीज करता है ताकि वो पेस्ट फंगस से अपने आप को बचा सके। आपको क्या करना है, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके लीव्स के दोनों तरफ अच्छे से स्प्रे करना है। पर अगर आप तुलसी लीव्स का सेवन करते हैं तो स्प्रे ना करें, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डायरेक्टली सॉइल में ही डाल दीजिए। समर सीजन में अगर आपकी तुलसी प्लांट के लीव्स सूख रहे हैं, कर्ल हो रहे हैं या ब्राउन हो रहे हैं, पत्तियां नीचे की ओर झुक रही हैं, तो ये प्रॉब्लम अंडर वाटरिंग की हो सकती है। आप सॉइल चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सॉइल सूखी रहती है तो आपको अपने प्लांट को दिन में 2 बार पानी देना चाहिए, और अगर गीली रहती है तो आप प्लांट को 2 दिन में 1 बार पानी भी दे सकते हैं। ये सब आपके प्लांट की लोकेशन और वहाँ पर कितनी धूप आती है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। अगर आपके प्लांट के लीव्स डिसकलर्ड हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम इनसफिशिएंट लाइट या ओवर वाटरिंग की हो सकती है। आप प्लांट को रिलोकेट कर दीजिए जहाँ सनलाइट अच्छे से मिले, और वाटरिंग भी तभी करें जब आपके प्लांट की सॉइल ऊपर से ड्राई लगने लगे। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ ऑलवेज़ यूज़ होममेड नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स ओनली। अगर आपके तुलसी प्लांट पर कीड़ा लग गया है, लीव्स पर ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं या वो डल दिख रहा है, तो सबसे पहले आप चेक करें कि कितने लीव्स में प्रॉब्लम है। अगर 2-4 लीव्स में ही प्रॉब्लम है तो वो 2-4 लीव्स को आप तोड़ कर अलग कर लीजिए। अगर ज़्यादा लीव्स में प्रॉब्लम है तो पानी की तेज़ धार से सारे लीव्स को अच्छे से दोनों तरफ से वॉश कर लीजिए, सारे कीड़े नीचे गिर जाएंगे। 1-2 दिन बाद फिर चेक कीजिए। पर अगर अभी भी इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं तो आप नीम की पत्तियां 100 ग्राम के करीब ले लीजिए, 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए, पानी ठंडा होने पर लीव्स पर अच्छी से स्प्रे कर लीजिए। नीम लीव्स को सुखा कर डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं, या आप नीम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम 1 लीटर पानी लेंगे, 5 ड्रॉप्स कोई भी लिक्विड सोप ले लेंगे और 10 स्पून नीम ऑयल की भी मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे और तुलसी प्लांट के लीव्स के दोनों तरफ अच्छे से स्प्रे कर लेंगे। नीम ऑयल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, इसमें 200 से ज़्यादा तरह के कीड़े मारने की क्षमता होती है। ये आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप पर या ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपके घर में नीम ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई कपूर, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच राख मिक्स कर लीजिए। ये आप एक कंटेनर में भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया है, ये मिक्सचर बहुत थोड़ा थोड़ा लीव्स पर स्प्रिंकल करना है और थोड़ा सा सॉइल में भी डाल सकते हैं। एक ऑप्शन और है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आप
बताया था एक फर्टिलाइज़र काउ यूरिन, ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड भी है। इसे आपको 1:10 के रेशियो में बनाकर तुलसी पर अच्छे से स्प्रे करना है। इसके लिए हम 1 लीटर पानी लेंगे, 100 ml काउ यूरिन लेंगे, मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डालकर तुलसी प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करेंगे और थोड़ा सा सॉइल में भी डाल लेंगे। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करें, धूप में नहीं करना है, इवनिंग में ही करें। रेनी सीज़न आने वाला है, इस सीज़न में तुलसी प्लांट को बचाए रखने के लिए आपको तुलसी प्लांट का पॉट चेक करना है कि उसमें ठीक तरह से वाटर ड्रेन हो रहा है या नहीं। बरसात के मौसम में ओवर वाटरिंग की वजह से सॉइल ज़्यादा गीली रहती है, जिससे रूट्स सड़ने लग जाती हैं, कीड़ा भी लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पॉट में ड्रेन होल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि विंटर में तुलसी प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आपने ये नोटिस किया होगा कि विंटर में तुलसी प्लांट जल्दी ही सूखने व मुरझाने लगते हैं। सनलाइट कम होने की वजह से कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है और विंटर सीजन इज़ वेरी हार्ड एंड डेंजरस फॉर दिस प्लांट। तुलसी प्लांट नीड्स अ लिटल स्पेशल केयर ड्यूरिंग विंटर सीजन। इस सीज़न में आपको तुलसी प्लांट के लिए फुल सनलाइट वाली लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, पर वो शेड में होनी चाहिए, क्योंकि जब रात में पाला पड़े या ओले गिरे तो वो तुलसी प्लांट को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। आप तुलसी प्लांट को किसी मलमल के दुपट्टे से ऊपर से ढक दें और साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ दें ताकि सनलाइट अंदर ठीक से जा पाए। हमें प्लांट को सर्दी से बचाना है, विंटर सीज़न में आप तुलसी प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं जहाँ सनलाइट भी आती हो। एक बात का आप ध्यान रखें कि विंटर सीज़न में तुलसी प्लांट के लिए हॉट फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें, जैसे काउडंग या वर्मी कंपोस्ट, और 15 दिन के गैप पर आप फर्टिलाइज़ करते रहें ताकि प्लांट को गर्मी पहुँचती रहे। विंटर में कम सनलाइट की वजह से लीव्स सफिशिएंट क्लोरोफिल नहीं बना पाते हैं, तो इसके लिए आप ऐसा करें, वीक में एक बार मॉर्निंग टाइम में लीव्स पर से डस्ट वॉश कर लें। इससे प्लांट आसानी से क्लोरोफिल बना पाएगा। एक बात का और ध्यान रखें कि अनहेल्दी लीव्स इन्फेक्टेड ब्रांचेस को कट करते रहें, सीड पॉड्स एंड फ्लावर्स को भी टाइम टाइम पर प्रून करते रहें। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते रहेंगे तो आपका तुलसी प्लांट हरा भरा और सुंदर बना रहेगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी तुलसी प्लांट के बारे में कुछ और नई जानकारी लेकर, जिसमें हम तुलसी प्लांट के वास्तु टिप्स डिस्कस करेंगे कि तुलसी प्लांट घर में कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।